हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एवरेज के क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से बहुत जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एवरेज से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही ईजी मेथड से कैसे कर सकते हैं एवरेज के क्वेश्चन को विद इन 10 सेकेंड कितनी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको ये ध्यान रखना है, सपोज दैट आपको एवरेज निकालना है, तो आपको सबसे पहले ये बात ध्यान रखना है कि जितने नंबर का आपसे एवरेज पूछ रहा है, सपोज दैट 2, 4, 6, 8, 10, 12 यहां तक दे रखा नंबर, सपोज दैट, ये तो कुछ नहीं है, इससे बड़े बड़े नंबर पूछे जाएंगे, तो यहां तक नंबर दे रखा है और आपसे पूछेगा कि इसका एवरेज बताइए, एवरेज कितना होगा। तो एवरेज निकालने की सबसे आसान ट्रिक बताने वाला हूं कि आपको किसी भी सीरीज का आप एवरेज बता सकते हैं, बस आपको ये देखना है कि क्या उस सीरीज के अंदर जो है डिफरेंस समान चल रहा है। अब देखिए यार, 2 और 4 में डिफरेंस कितने का चल रहा है, 2 का, 4 और 6 में डिफरेंस कितने का, 2 का, 6 और 8 में डिफरेंस कितने का, 2 का। तो यहाँ जितने भी नंबर हैं एक के बाद एक, सबके बीच में डिफरेंस है 2 का। अगर डिफरेंस सेम हो, अंतर जो है अंतर वो सेम हो, अंतर समान हो, तो ये ध्यान रखना कि अंतर समान है या नहीं। अगर अंतर समान होता है तो जो एवरेज होता है वो पहला नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, उसका आधा होता है। तो आपको फर्स्ट नंबर लेना है और लास्ट नंबर लेना है, उसको 2 से डिवाइड कर देना है, ये हो जाएगा एवरेज। ये एवरेज की प्रॉब्लम को इतनी जल्दी सॉल्व कर देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसके यूज दिखाता हूं आपको कि कहां कहां इसका यूज हो सकता है। तो इसका पहला यूज देखिएगा, अब देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने 3 बेसिक प्रॉब्लम्स लिए हैं जो कि एवरेज से रिलेटेड हैं, और इनको अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करोगे, कन्वेंशनल मेथड पर जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इवन आपको बहुत टाइम भी लग सकता है इन सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो इन सवालों को आप ट्रिक के माध्यम से किस तरह सॉल्व करोगे वो मैं बताने वाला हूँ आपको। तो देखिए, इसमें कह रहा है फाइंड आउट द एवरेज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 फ्रॉम 1 to 100। तो पहले तो आप पता होना चाहिए मल्टीपल्स ऑफ 3 का मतलब क्या है। मल्टीपल्स ऑफ 3 का मतलब ये है कि 3 से 3 के टेबल में आने वाले, जैसे 3, 6, 9, 12, ये सारे के सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 के मल्टीपल्स होने के बावजूद ये पूछ रहा है कि इसी तरह से 1 से लेकर 100 तक जितने भी इस तरह के मल्टीपल आने वाले हैं 3 के मल्टीपल, उनका एवरेज बताइए। अब देखिए, 1 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, 2 भी 3 का मल्टीपल नहीं है, तो शुरुआत में 3 ही आएगा ऐसा जो 3 का खुद का मल्टीपल होगा। तो 3 आ गया, यहाँ पहला नंबर आ गया 3। अब 100 से पहले देखो, 100 जो है 3 का मल्टीपल तो नहीं है, लेकिन 100 से पहले 99 आता है, तो ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, 33 टाइम्स चला जाएगा। तो आपको पता चल गया है कि जो 1 से लेकर 100 के बीच में 3 के मल्टीपल्स है वो ये है 3, 6, 9, और ये हो जाएगा 99। तो जब आपको इतना पता चल गया है, और एवरेज की मैंने ट्रिक नंबर फर्स्ट में ये बताया है कि अगर आपको एवरेज निकालना हो तो एवरेज निकालना हो जब नंबर्स के बीच में डिफरेंस अंतर जो है समान है, तो इस कंडीशन में आपको लास्ट वाला नंबर लिखना है और पहला वाला नंबर लिख लेना, और इसका आपको क्या कर देना, आधा कर देना। तो 99 प्लस 3 हो जाएगा 102, और उसका हाफ करेंगे हो जाएगा 51। तो इस तरह से आपने ये बहुत ही आसानी से इसका जवाब दे दिया। इसी तरह से अब नीचे लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन, फाइंड आउट द एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1, 2, 3, ये जो नंबर होते हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर का एवरेज पूछ रहा है अप टू 1000, तो 1 से लेकर 1000 तक के नेचुरल नंबर का एवरेज पूछ रहा है। एवरेज का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, एवरेज का नॉर्मल फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हो उनका सम, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर 1 से लेकर 1000 तक के नंबर का सम निकालोगे तो बहुत वक्त लग जाएगा, फिर 1000 से डिवाइड करोगे तो और ज्यादा वक्त लग जाएगा। तो फिर इसको ट्रिक के थ्रू से कैसे करें, तो देखो ट्रिक के थ्रू से भी करेंगे, इसको ट्रिक के थ्रू किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है नेचुरल नंबर के बीच में 1 का डिफरेंस होता, 1, 2, 3, इसी तरह से लास्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, यहाँ पर 1000। तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का चलता हुआ आ रहा है, 1 का डिफरेंस चलता हुआ आ रहा है। और जब मैंने आपको बताया है कि डिफरेंस समान होता है
तो आप पहला वाला नंबर लीजिए और लास्ट वाला नंबर लीजिए, उनको ले लीजिए ऐसे 1+1000 और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो गया 1001/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 500.5 समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। तो ये ट्रिक के माध्यम से आपने बता दिया। अब आपको डाउट हो सकता है कि आपने यहाँ पर वन था पहला नंबर, लेकिन आपने लिया 3 है, तो इसका जवाब ये है कि आप जो है इस क्वेश्चन में मल्टीपल्स ऑफ 3 देख रहे हो, 3 से कटने वाले, तो 1 नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा, तो पहला नंबर जो होगा वो 3 ही होगा जो 3 से खुद से डिवाइड होगा, और लास्ट नंबर 100 नहीं होगा, इससे पहला वाला नंबर 99 होगा, तो इसलिए हमें 99 लेना पड़ा और यहाँ 3 लेना पड़ा। तो आपको अब समझ आ गया होगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इसमें क्या कह रखा, फाइंड आउट द एवरेज, एवरेज फाइंड आउट करना ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, 100 से लेकर 200 के बीच में जितने भी मल्टीपल्स आ रहे हैं 5 के, या 100 और 200 के बीच में जितने भी मल्टीपल्स हैं 5 के, उनका एवरेज बताओ। अब देखो 100 क्या 100 5 से डिवाइड हो जाएगा, पहले चेक कर देना हम कि 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो जवाब है बिल्कुल हो जाएगा, 5 × 10 20 बार चला गया, तो क्या 200 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो जवाब है हाँ हो जाएगा, तो ये 40 बार चला गया, तो ये भी डिवाइड हो गया और ये भी डिवाइड हो गया, पहला वाला नंबर भी डिवाइड हो गया और लास्ट वाला नंबर भी डिवाइड हो गया। तो देखो पहला नंबर कितना हो गया, फिर 100 से 200 के बीच में 5 से डिवाइड होने वाला नंबर हो गया 100, 105, इसी तरह से चलते चलते 195 और 200 ये नंबर होंगे। अब देखिए इन सभी नंबर्स के बीच में डिफरेंस तो समान ही आएगा ना 5 का, क्यों, क्योंकि ये 5 के सभी मल्टीपल है, तो 5 का डिफरेंस समान हो गया। और मैंने बताया है जब डिफरेंस समान होता है तो आपको क्या करना है, पहला वाला नंबर लो और लास्ट वाला नंबर लो, तो लास्ट वाला नंबर है 200 और पहला वाला नंबर है 100, इनका एवरेज कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 100 और 200 कितना हो गया 300, और जब 300 को 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 150। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा कि 150 जो है वो क्या है, एवरेज है। तो ये थे ट्रिक नंबर 1 पर एवरेज की क्वेश्चंस। अब बताता हूँ ट्रिक नंबर 2। अब ट्रिक नंबर 2 के अंदर है दोस्तों कि एवरेज बता रहा है, कि पूछ रहा है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। अगर आपको कह रखा होगा कि फर्स्ट शुरू के एन ऑड नंबर्स का एवरेज बताइए, तो जितने नंबर्स बोलेगा वही उसका क्या होगा, एवरेज होगा। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट भी है। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स हो जाएगा, नंबरों की संख्या ही उसका एवरेज हो जाएगा। इस पर सवाल किस तरह के बनेंगे, कहेगा कि फाइंड आउट, या फिर फाइंड आउट एवरेज ऑफ फर्स्ट 200 ऑड नंबर्स। तो जो शुरू के 200 फर्स्ट 200 ऑड नंबर्स हैं उनका एवरेज बताओ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 200 ही इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप पिछले ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो ऑड नंबर्स होते हैं वो होते हैं विषम संख्याएं होती हैं, 1, 3, 5, 7 .. अब देखिए अगर मैं 3 की बात करूं तो ये कौन सा नंबर है, दूसरा नंबर है, और अगर 5 की बात करूं तो ये कौन सा नंबर है, ये है तीसरा नंबर। तो इसी तरह से अब देखिए पहला नंबर ये हो गया ऑड, दूसरा हो गया 3, फिर 5, 7, तो इसी तरह से ये ऑड नंबर जो आते हैं इवन नंबर के बाद में आते हैं। तो अगर मैं 200 ऑड नंबर्स की बात करूं, यहां पूछ रहा है कि फाइंड आउट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 200 ऑड नंबर्स, तो पिछली वाली ट्रिक में क्या कह रखा था, पिछली वाली ट्रिक में ये कह रखा था कि आपको पहला नंबर पता होना चाहिए और लास्ट का नंबर पता होना चाहिए। तो लास्ट का नंबर पता करने के लिए आपको ये नंबर 200 तक लिखने होंगे, तो इस तरह से आप 9 लिखोगे, फिर 11 लिखोगे, 200 तक जो है बहुत लंबा पड़ जाएगा। देखो 200 नंबर नहीं है ये, 200 जो है लास्ट का नंबर नहीं है, 200 इनकी काउंटिंग कह रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 200 तक चले, तो 200वां नंबर जो होगा वो तो बहुत ही बड़ा नंबर होगा, पता नहीं क्या होगा वो 200वां नंबर। तो इसलिए आप जो है पिछले ट्रिक के माध्यम से ना करें। अगर आपको लास्ट नंबर पता है और पहला नंबर भी पता है और आपको उनके बीच का अंतर भी पता है, तब आप पिछली वाली ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। लेकिन जब आपको ये मिल रहा है कि एवरेज निकालो
फर्स्ट एन ओड नंबर, जो शुरू के ओड नंबर दे रखे एन, एन कुछ भी दे रखा होता है, यहां दे रखा कि 200 ओड नंबर का एवरेज बताइए, शुरू के 200 ओड नंबर का, तो जितने नंबर का हमसे एवरेज पूछेगा वो कहलाएगी उसका क्या, उसका दो, अब शुरू के 200 नंबर के एवरेज वही उसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि आपको पता होगा कि जो ओड नंबर्स होते हैं, ओड नंबर होते हैं उनका जो सम का फॉर्मूला है वो होता है एन स्क्वायर। जब आप एवरेज निकालते हो तो क्या होता है, एवरेज होता है कि सम, टोटल सम और कितने नंबर्स है, तो नंबर्स भी कितने होते हैं एन, जब आप एन नंबर तक का सम निकालोगे तो हो जाएगा एन स्क्वायर। तो एन नंबर तक है ना, तो नंबर्स भी कितने हो गए एन, तो यहां से एन कट जाएगा, आ जाएगा एन। तो ये फॉर्मूला जो बना है एवरेज का वो यहां से बनकर आया है। तो जब भी आपसे ये कहेगा कि बताइए शुरू के 500 ओड नंबर का एवरेज, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा देखते ही, 500। आपसे ये कहेगा कि बताइए शुरू के 5000 ओड नंबर का एवरेज, तो उसका जवाब क्या हो जाएगा सीधे सीधे 5000। तो इस ट्रिक से आपको क्वेश्चंस को लगाने में सिर्फ 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। तो अब देख लेते हैं ओड, यहाँ पर ओड ट्रिक की बात की गई है, ओड नंबर्स के एवरेज की बात की गई है, तो एक और बचता है वो है इवन, तो इवन का भी देख लेते हैं। अगर आप फिर भी इसको पिछली ट्रिक के माध्यम से करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बता देता हूँ, वो भी ईजी है कि आप जो है एक ही ट्रिक को पकड़ रहे हैं, लेकिन ये भी बुरी नहीं है क्योंकि ये भी आपके क्वेश्चंस के सॉल्व करने के टाइम को बचा रही है, चाहे 5 सेकंड बचाए या 6 सेकंड बचाए। जब भी आपको ओड नंबर का एवरेज पूछेगा तो जितने नंबर का एवरेज पूछेगा वही उसका आंसर होगा। 50 नंबर का एवरेज पूछेगा कि फर्स्ट शुरू के 5 या 50 नंबर का एवरेज क्या होगा, तो 50 ही होगा आंसर। लेकिन फिर भी आप ये चाह रहे हैं क्योंकि आप ओड नंबर की बात कर रहे हैं, तो ओड नंबर के बीच में जो गैप रहेगा वो तो सेम रहेगा ना, और मैं बता चुका हूं जब नंबर के बीच में गैप होता है तो आप पहले नंबर को देख लो और लास्ट नंबर को देख लो, उनका जो है एवरेज कर दो, वही आंसर होगा। पिछले ट्रिक में तो यही बताया गया, तो वो तो ये वो ट्रिक तो यहां भी लगनी चाहिए ना, क्योंकि यहां पे तो डिफरेंस सेम है, दो दो का डिफरेंस दोनों के बीच में, हर नंबर के बीच में दो का अंतर है। अब यहां कहा गया था कि 200 नंबर तक आप ओड नंबर लिखिए, उनका एवरेज बताइए। तो यहां तो मैंने ट्रिक से बता दिया कि वो 200 नंबर वही जो होगा उसका आंसर होगा, क्योंकि जितने नंबर का एवरेज पूछता है वो नंबर ही उसका क्या होता है, एवरेज होता है ओड नंबर के केस में। ये केस सिर्फ ओड नंबर के केस में है, विषम संख्या के केस में। तो मैं चाह रहा हूं कि इसको पिछले ट्रिक के माध्यम से करूं, तो पिछले ट्रिक के माध्यम से करने के लिए आपको पहला नंबर तो पता है, लेकिन आपको लास्ट नंबर नहीं पता, 200वां नंबर जो होने वाला है वो नहीं पता। तो देखो ओड नंबर के केस में जब हमारे पास ओड नंबर दे रहे होते हैं 1, 3, 5, 7, तो देखो 3 जो है वो दूसरा नंबर है, तो 3 जो है 2 का स्क्वायर कितना हो गया, या 2 का दुगना कितना हो गया, 4, 4 का 1 कम 3, और 5वां जो है शुरू का कौन सा नंबर है, तीसरा नंबर, 3 का दुगना करोगे कितना हो गया, 3 का दुगना हो गया 6, तो 6 से 1 कम 5। ये 7 जो है कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पे, तो देखो 4 का दुगना करो कितना हो गया 8, 8 में से 1 कम करो 7। अब 9वें नंबर की बात करो तो शुरू से ये 5वें नंबर पे है, 5वीं पोजीशन पर है, तो देखो 5 का दुगना कीजिए, 5 दुनी 10, 10 में से 1 कम किया 9। तो इसी तरह से जो 200वां नंबर होगा वो 200 का दुगना करने पर 1 सब्ट्रैक्ट कर दो वो होगा, तो 200 का दुगना करेंगे तो कितना हो गया 400, और 400 में से 1 निकालेंगे तो 399 आ जाएगा। तो आपको पता चल गया कि 200वां नंबर जो होने वाला है वो होने वाला 399। तो 399 नंबर जो है वो लास्ट नंबर है, वो 200वां नंबर है। तो जब आपको ये पता चल चुका है कि पहला नंबर 1 है और लास्ट नंबर 399 है, तब आपको ट्रिक क्या बता रही है, एवरेज की ट्रिक बता रही है कि आपको पहला नंबर लिखो प्लस लास्ट वाला नंबर लिखो और उन दोनों का हाफ कर दो, तो 399 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 400, उसका जब आधा करेंगे तो हो जाएगा 200। तो देखो 200 यहां से भी निकल कर आ गया, और 200 में आपको ट्रिक के माध्यम से बता चुका हूं कि क्वेश्चन में ये कहा गया था कि शुरू के 200 ओड नंबर का जो है एवरेज बताइए, तो 200 ही उसका आंसर हो गया था। तो ये था नई ट्रिक के माध्यम से, दूसरे ट्रिक के माध्यम से, तो ये लगती है ट्रिक ओड नंबर के लिए।
जितने नंबर का आपसे एवरेज पूछेगा उतनी ही क्या हो जाएगी उसका आंसर हो जाएगा। और पिछले ट्रिक में ये बताया गया था कि आपको पहला नंबर लो और लास्ट नंबर लो, दोनों को जोड़ो उसका हाफ कर दीजिए अगर डिफरेंस सेम है नंबरों के बीच में। तो अब देख लेते हैं इवन ट्रिक के बारे में क्या दे रखा है इसमें कुछ। अब देखिए दोस्तों यहां पर ट्रिक नंबर 3 में ये बताया गया है कि इवन नंबर की ट्रिक कैसे बनाएंगे। तो आपको फर्स्ट एन इवन नंबर दे रखे हैं, जैसे क्वेश्चन दे रखा होगा शुरू के 50 इवन नंबर का एवरेज बताइए, शुरू के 100 सम नंबर का एवरेज बताइए, शुरू के 2000 सम नंबर का एवरेज बताइए। जब भी आपको इस तरह का दे रखा होगा क्वेश्चन तो आपको जितने नंबर कह रखा होगा उसमें एक बढ़ा दीजिए, वही उसका एवरेज होगा। तो ये सिर्फ एवरेज के लिए है। आपसे कहेगा कि जैसे कि नीचे वाले क्वेश्चन में कह रखा फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 20001 इवन नंबर्स, तो 20001 नंबर हैं इवन, उनका एवरेज पूछ रहा। तो आपको ट्रिक के माध्यम से क्या हो जाएगा, 20001 लिखिए प्लस इसमें एक ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 20002, तो 20002 हो गया इसका आंसर, ट्रिक के माध्यम से हो गया। यह आप लम्हों में सेकंडों में कर दोगे। लेकिन अगर इसको पिछली ट्रिक के माध्यम से करूं, ट्रिक नंबर 1 के माध्यम से करूं तो कैसे होगा, क्योंकि ट्रिक नंबर 1 में ये कह रखा था कि अगर आपको एवरेज निकालना हो तो आपको फर्स्ट नंबर लीजिए और लास्ट नंबर लीजिए उसका हाफ कर दीजिए। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि 2001 नंबर जो है वो इवन वो कहाँ पर होगा। तो आपको पहले इवन नंबर लिख के बता देता हूँ, जैसे कि 2 4 6 8 ये इवन नंबर है। तो देखो पहला इवन नंबर कितना 2, दूसरा इवन नंबर कितना है 4, तीसरा इवन नंबर कितना है 6, चौथा इवन नंबर कितना है 8। तो देखो जितने नंबर पे पहुंच रहा हूं उसका जस्ट डबल कर दीजिए, वो होगी नंबर की वैल्यू। जैसे चौथा इवन नंबर कितना होता 8, तीसरा इवन नंबर कितना शुरू का वो है 6, दूसरा इवन नंबर कितना वो है 4। इसी तरह से अगर पांचवा इवन नंबर की बात की जाए तो वो होगा डबल 10, छठे इवन नंबर की बात की जाए तो वो होगा जस्ट डबल 12। इसी तरह से डॉट 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 20001 इवन नंबर की बात करूं तो वो होगा इसका डबल, तो डबल का मतलब हो गया 40002। तो 40002 हो गया इसका लास्ट नंबर जो 20001 नंबर था। तो आप ये ट्रिक भी लगा सकते हैं। तो एवरेज अब कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपको पता है फर्स्ट नंबर कितना है 2, क्योंकि एक जो आएगा 1 2, तो एक जो होगा वो तो ओल्ड नंबर है, इवन नहीं है। तो इवन नंबर लेने का एवरेज, हमें इवन नंबर का लेना है तो आपको 2 लेना पड़ेगा शुरुआत में। तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया 2, लेकिन लास्ट नंबर कितना आपके पास, अब देखो 20001 नंबर जो है वो है 40002, तो आप लिख लीजिए 40002 और आपको 2 से डिवाइड करना। तो आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40004/2। जब इसका आप एवरेज निकालोगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 20002। तो देखो आपने ये ट्रिक भी लगा दी और आपने ये वाली ट्रिक भी लगा दी, तो दोनों ट्रिक के माध्यम से आपने सोल्व किया, आंसर आया 1। लेकिन ये ट्रिक ऐसी है कि जब आपको डिफरेंस सेम दे रखा हो तो आप तुरंत फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 कर दीजिए, एवरेज निकल कर आ जाएगा लम्हों में। और अगर आपको डायरेक्ट पता है कि अगर इवन नंबर का फर्स्ट वर्ड का ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट इवन नंबर दे रखे हो, कितने भी दे रखे हो, जितने भी दे रखे हो उसमें ऐड कर दीजिए 1, वही एवरेज कहलाएगा। ओड नंबर में क्या था, अगर यहाँ ओड नंबर कह रखा होता फर्स्ट 20001 ओड नंबर का एवरेज क्या होगा, तो वो नंबरों की संख्या ही एवरेज कहलाता ओड नंबर में। लेकिन इवन में सिर्फ उसी के अंदर एक ऐड कर दीजिए, हो जाएगा ये एवरेज। तो ये था इवन और ओड का। और अगर नेचुरल नंबर की बात की जाए तो पहला नंबर क्या होगा फर्स्ट, और अगर मैं कहूं 20 नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर के बीच का डिफरेंस तो एक ही होता है, तो इसका मतलब 20वां नेचुरल नंबर भी 20 ही होगा। तो बस पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर और अपॉन 2 कर दीजिए, वो हो जाएगा उसका एवरेज। तो एवरेज के क्वेश्चनों में आप दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये 3 ट्रिकें समझाई गई हैं जो कि बहुत ही कारगर होने वाली हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।